बाल शिव मित्र को ढूंढते हुए कैलाश पहुंचते हैं। महादेव के पीड़ा से द्रवित होकर आप अपने कैलाश में आ गए। पहली बार आपके कैलाश को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ की आभा और यहाँ की पवित्रता अद्भुत है मित्र। आपको लेने आया, हम दोनों मिलकर आपके महादेव पुनः ढूंढने का प्रयास करेंगे। अंततः प्रभु महादेव बनने आ गए। क्या आप सब बता सकते हैं कि मेरी मित्र इस कैलाश किस भाग में है? वो दुखी है, मेरा उनके पास जाना अति आवश्यक है। नंदी जी, मैंने आज से पहले प्रभु को इतना भाव विभल कभी नहीं देखा। माता अचानक अदृश्य हो गई है पुष्पदत्त, बिना किसी को कुछ बताए। नंदी जी, माता के अचानक अदृश्य होने का क्या कारण हो सकता है? मेरा अनुमान था कि माता के अदृश्य होने का उद्देश्य प्रभु को यहां कैलाश लाना था। महादेव को उनके वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित करना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हाँ पुष्पदत्त, मेरा अनुमान असत्य निकला। कैलाश आने के उपरांत भी प्रभु महादेव में परिवर्तित नहीं हो पाए। नंदी जी, क्या अब हमारे प्रभु कभी महादेव नहीं बनेंगे? क्या उन्होंने सदा सदा के लिए ये बाल स्वरूप धारण कर लिया? क्या अब हम सदा सदा के लिए अनाथ रह जाएंगे? प्रभु की लीला तो प्रभु ही जानते हैं पुष्प। हमें अपने आस का पतवार नहीं छोड़ना है बस। कैसी आंख में चोली है ये? बहन पार्वती ने कितने यत्न किए, कितने प्रयास किए बाल शिव को कैलाश लाने के, उन्हें महादेव बनाने के, परंतु कभी भी ऐसा कोई संयोग नहीं बना। और जब एक बार बना भी तो वो शमशान की सीमा रेखा से ही वापस लौट गए। और बहन पार्वती की आस और प्रयास दोनों व्यर्थ हो गए। और आज जब शिव कैलाश आ गए हैं तो बहन पार्वती नहीं है। यदि आज वो होती तो कैलाश को उनके महादेव अवश्य मिल जाते, क्षीर सागर को उनके नारायण और ब्रह्मलोक को ब्रह्मदेव। यही तो भाग्य की विडंबना है बहन सरस्वती, जिसे हम त्रिदेवियां होकर भी बदल नहीं पा रहे। आप सबने मेरे मित्र को देखा क्या? यहाँ आए हैं वो, देखिए ना, वो बिना कुछ बताए अचानक अदृश्य हो गई और मैं उन्हें ढूंढ पाने में असमर्थ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। किस शक्ति ने बहन पार्वती को बाल शिव से दूर कर दिया है? तो क्या ये इनकी दूरी कभी ना समाप्त होने वाली दूरी है बहन लक्ष्मी? क्या पुरुष और प्रकृति का मिलन कभी नहीं होगा? क्या सृजन का चक्र सदा के लिए रुक गया? जब तक बहन पार्वती वापस नहीं लौटेंगे तब तक तो ऐसा ही प्रतीत होता है। परंतु बहन पार्वती के अदृश्य होने का कारण क्या हो सकता है? ऋषि कात्यायन सा माँ का भक्त नहीं हुआ इस संसार में, और ना ही कभी इनके जैसा कोई भक्त होगा कभी। तभी तो आज माता की विशेष पूजा जो रखी है उन्होंने। केवल तू है माँ, तू है, तू ही सार है, तू ही समग्र है, तू ही सृजन, तू ही संहार है। बस केवल तू है माँ, तू है, तू ही एक सहारा है माँ, तू ही एक सहारा है। है माँ, हमारे पास आ माँ, हमारे पास आ। अपनी ममता, दया, करुणा से हमें स्निग्ध स्नान करा। माँ, कोई सांसारिक माँ अपनी संतान की पुकार पर दौड़ी चली जाती है सब कुछ छोड़कर। तू तो जगत जननी है माँ, सबकी माँ है तू, और फिर भी तू। फिर भी तू नहीं आ रही है माँ। इसका अर्थ ये हुआ कि कमी तो हम में, माँ की संतानों में है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारा ये कुपुत्र कात्यायन तुम्हें आज पुकार रहा है माँ। हे माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। आओ माँ, मेरी ये इच्छा है माँ कि मैं जगत जननी की सेवा मेरी पुत्री के रूप में करना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा माँ। कि इसके अतिरिक्त तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं है माँ, न पत्नी की न परिवार की। इसीलिए तो मैंने विवाह भी नहीं किया, परिवार भी नहीं बसाया। परंतु तुम्हें मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी माँ। तुम्हें मेरी पुत्री के रूप में मेरे पास आना पड़ेगा माँ, मेरी पुत्री के रूप में मेरे पास आना पड़ेगा तुम्हें माँ। तुम्हें मेरी पुत्री के रूप में आना पड़ेगा माँ, और तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए मैं अब तप करूंगा, और ये तप तब तक चलता रहेगा जब तक तुम पुत्री के रूप में मेरे पास नहीं आती। यही मेरा अटल निर्णय है। आप सब मौन क्यों? बताइए ना मेरी मित्र कहाँ है? यदि माता को देखा होता, माता यहाँ आई होती तो अवश्य बताते प्रभु। हम तो स्वयं माता की तरस को तरस गए हैं, और ऊपर से ये विपत्ति। यहाँ नहीं है तो कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है मेरी मित्र? प्रभु, आप तो ध्यान लगाकर सब कुछ देख लेते हैं। एक बार ध्यान लगाकर देखिए ना, माता कहाँ है? यहाँ आने से पूर्व ध्यान में जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था पुष्पदन जी, परंतु देख नहीं पाया उन्हें। जब नंदी जी ने ये देखा तो मुझे यहाँ आने को कहा। मैंने भी सोचा कि कैलाश तो उनका घर है, तो अवश्य यहीं आए होंगे, परंतु वो तो यहाँ भी। प्रभु, मैं तो आपको ये सोचकर यहाँ लाया था कि आप कैलाश की धरती का स्पर्श पाते ही महादेव बन जाएंगे, परंतु कहाँ सफल हुई मेरी सोच, कहां बने आप महादेव प्रभु। प्रभु, मेरे मन में एक विचार सूझा है, हो सकता है कि आप उससे माता को देख पाए। कैसा विचार आया नंदी जी? शीघ्र कहिए। आप महादेव के ध्यानशिला पर बैठकर ध्यान लगाइए प्रभु। हो सकता है कि उस पर बैठकर आपके ध्यान करने से माता आपको दिख जाए। आज कैलाश का भाग्य जाग ही गया। आज सारे संसार को सत्य सनातन शिव मिल जाएंगे। विरह की वेला और प्रतीक्षा की समाप्ति दोनों का पल निकट आ गया है। आज स्थान ग्रहण कीजिए प्रभु। मित्र। ये क्या, प्रभु तो अब भी महादेव नहीं बने तो क्या निराशा का ये अंधकार कभी नहीं छूटेगा। अब ये तो घोर आश्चर्य की बात है। महादेव की ध्यानशिला पर बैठने के बाद भी बाल शिव महादेव नहीं बने। कदाचित ये बहन पार्वती के अभाव में हो रहा है, क्योंकि दोनों की संयुक्त शक्ति ही एक दूसरे को पुण्यता प्रदान करती है। मित्र कहाँ हैं आप? मित्र विरह की वेदना से बाहर आइए मित्र। विश्वास कीजिए, आपके महादेव आपको अवश्य मिलेंगे। आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, सामने आइए मित्र। ये तो मित्र का स्वर है। मित्र आप दुखी क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं? कहाँ हैं आप मित्र? मित्र आप कहाँ हैं? मित्र कहाँ हैं? सुन रही हैं आप मुझे? मित्र मैंने कहा ना, आपके महादेव आपको अवश्य मिलेंगे। विश्वास कीजिए मुझ पर, मत रोइए, मेरे समीप आइए मित्र। क्या हुआ प्रभु? आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा क्यों प्रभु? मित्र ने स्वयं को सूर्य में समा लिया है नंदी जी, और स्वयं को उनके ताप से जला रही है। माता स्वयं को सूर्य के ताप से जला रही है? हाँ नंदी जी, इस संसार से मित्र अपने अस्तित्व को मिटा रही है। और दुखद तो ये है, संभवतः दूरी के कारण उन तक मेरी पुकार नहीं पहुंच पा रही। अब क्या होगा प्रभु? उन्हें रोकना होगा नंदी जी। आपके अतिरिक्त उन्हें और कौन रोक सकता है प्रभु? रोकिए ना। परंतु मैं कैसे रोकूं? उन तक तो मेरी पुकार पहुंच भी नहीं रही। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए सूर्य पर जाना होगा। परंतु सूर्य पर जाएगा कौन प्रभु? यही सबसे विकट समस्या है कि कौन जाएगा सूर्य पर। मित्र को निराशा में ऐसा पग नहीं उठाना चाहिए था नंदी जी। आशा और विश्वास पूर्ण प्रयास लक्ष्य प्राप्ति का अस्त्र होता है। परिस्थितियों के सामने अस्त्र डाल देने वाला युद्ध का कभी विजेता नहीं होता। मुझे अपने मित्र से ऐसी आशा कदापि नहीं। जीवन में जब आशा की किरणें क्षीण होकर समाप्त हो जाती हैं, तब ऐसे ही दुखदायी परिणाम देखने को मिलते हैं। पर जीवन को समाप्त कर देना समाधान नहीं है देवी लक्ष्मी। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अस्तित्व में रहना अनिवार्य होता है। जब मित्र अस्तित्व में रहेंगे तभी तो अपने महादेव से मिल पाएंगे। उनको उनके महादेव से मिलवाने के लिए हमें उन्हें सूर्य के गर्भगृह से वापस लाना ही होगा। उन्हें वहां से वापस लाने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? किसी भक्त की पुकार। तात्पर्य? महादेव के जाने के उपरांत बहन पार्वती ने सदा अपने दायित्व का पालन किया है, सदैव त्याग की मर्यादा का मान रखा है। ऐसी बहन पार्वती को अब जब उनका कोई सच्चा भक्त पुकारेगा तो वो स्व को भूलकर अपने भक्त के पास अवश्य आ जाएंगी।